सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस टेक्निक में लेट गो नहीं होता। लेट गो मतलब हम टेक्निक्स करते हैं, हम टेक्निक बोलते चलो हो जाएगी, अब उसको छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स कर देंगे। इस टेक्निक में ऐसा नहीं होता। Hey lovies, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel, guys. First of all, to congratulations to everyone. जिन लोगों ने बहुत टाइम से वेट करा है व्हाट इफ टेक्निक के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे व्हाट इफ टेक्निक कब आएगी, व्हाट इफ टेक्निक कब आएगी, आज आ गई। एंड आज से व्हाट इफ टेक्निक की सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रोज रात को 9 बजे व्हाट इफ टेक्निक के वीडियोस डालने वाली हूँ। हर एक मैनिफेस्टेशन, हर एक विश के लिए मैं व्हाट इफ टेक्निक बताने वाली हूँ। एंड एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट ऐसा क्यों होता है। वेल, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम रितिका गुप्ता है एंड मैं स्टैंपल ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीजों पे वीडियोस बनाती हूँ। गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं, हमें रिजल्ट भी मिलता है, कभी कभार हम रुक भी जाते हैं, कभी कभार हमें रिजल्ट नहीं भी मिलता। ये टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन को फेल नहीं होने देगी, कोई भी मैनिफेस्टेशन को फेल नहीं होने देगी। इस टेक्निक में इतनी पावर होती है कि आपने सोचा और वो हो गया, आपने बस बोला और वो हो गया, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। हम ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स कर लेते हैं एंड वेट करते रह जाते हैं कि हमारी टेक्निक्स कब पूरी होगी, हमें उसका रिजल्ट कब मिलेगा। लेकिन इस टेक्निक की सबसे खास बात यह है कि इसको सिर्फ बोलने से ही हो जाता है। बहुत सारे लोग जो स्क्रिप्टिंग करते हैं एंड अलग अलग टेक्निक्स को लिख के करते हैं, अगर नहीं लिखने की प्रॉब्लम है, डायरीज अपनी नहीं यो बना सकते, सबके घर में अपनी अपनी नो प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम अपनी डायरीज को छुपा के नहीं रख सकते, कोई ना कोई देख लेता है, तो आप तो ये आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। ये टेक्निक, ये मैनिफेस्टेशन हर एक विश के लिए काम करेगी, हर एक विश के लिए, कोई भी कोई भी विश क्यों ना हो, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, मैरिज के लिए, लव के लिए, मैसेज के लिए, कॉल के लिए, अनब्लॉक होने के लिए, हाइट के लिए, वेट के लिए, ब्यूटी को अट्रैक्ट करने के लिए, कोर्ट केसेस के लिए एंड हर चीज़ के लिए एंड बेस्ट हेल्थ के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो करंट में हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड मैंने जब से व्हाट इफ टेक्निक को सिखाया था, बहुत सारे मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें कोविड को भी क्योर करा सिर्फ और सिर्फ व्हाट इफ टेक्निक की मदद से। तो मैं आपको सब बताने वाली हूँ इस टेक्निक के बारे में। आज मैं आपको कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इस टेक्निक के बारे में। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइस। पिछले कुछ दिनों से मैं चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ दैट बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड डेफिनेटली जेन्युइन सी बात है, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे हर एक टेक्निक, हर एक मैनिफेस्टेशन को लेकर। तो मैंने एक न्यू चीज़ स्टार्ट करी है, कल से रोज़ दोपहर को 12 बजे मेरा एक शॉर्ट वीडियो आने वाला है। इस शॉर्ट वीडियो में मैं मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करूंगी जो आप मेरे कमेंट सेक्शन में करते हैं। कभी कभार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि रिप्लाई इतने बड़े होते हैं, मैं कहाँ तक कितना टाइप करती रहूंगी। तो इसलिए मैं आपको ये मेरी एक जेन्युइन सी हेल्प है आप सबके लिए। जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जितने मेरे वीडियोज़ लोग लाइक करते हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलूंगी, दिल से थैंक यू सो मच। जो मेरे वीडियोज़ डिसलाइक करता है, थैंक यू सो मच मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जहाँ लोग बोलते हैं यार लोग डिसलाइक क्यों करते हैं, करने दो यार, एटलीस्ट हमारा व्यू तो बढ़ रहा है। बस पॉजिटिविटी देखो उस नेगेटिविटी में भी, ओके। एंड मैं रोज़ 12 बजे दोपहर को मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, आजकल वीडियोज़ पर लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोग को पसंद नहीं आ रहा है। सो अब बात करेंगे व्हाट इफ टेक्निक के बारे में। क्या है इस टेक्निक का रहस्य, क्या है इस टेक्निक के अंदर, क्यों इस टेक्निक को प्रेजेंट टेंस में नहीं करते, क्या है इसकी इसके अंदर का सीक्रेट क्या है यार, पहले तो ये पता करना है हमें, क्योंकि हम जब भी कोई टेक्निक करते हैं वो अलग होती है, ये टेक्निक में इतने अलग चेंजेस क्यों है, यूनिवर्स हमें बताइए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हम बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। लाइक अगर कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता है तो वो यूनिवर्स को बोलता है कि मुझे अच्छी जॉब दिलवा दीजिए, अब उसके बाद आप उस विश को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में, लाइक मुझे जॉब मिल गई है, मुझे प्रमोशन मिल गया है, मैं अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लाइक तो आप उसको सबको प्रेजेंट टेंस में बोलते हो। व्हाट इफ टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम चीज़ें फ्यूचर को लेके चलते हैं, हम बहुत आगे की बात करते हैं। वहाँ हम ये नहीं बोलेंगे मुझे जॉब मिल गई, वहाँ हम यूनिवर्स को बोलेंगे व्हाट इफ यूनिवर्स मुझे मेरी जॉब मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हम अपने अंदर बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। कभी कभार हम कुछ चीज़ों को देख के बोलते हैं यार काश ये मुझे मिल जाए, काश ये मेरा हो जाए, एक जेन्युइन सा हमारे अंदर थॉट आता है। किसी भी चीज़ को देख के हम बोलते हैं काश आज पिज्ज़ा मिल जाए,
काश आज कॉफी मिल जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कोविड को लेके होता है कि यार कब ये कोविड खत्म हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं काश ये कोविड खत्म हो जाए, बस वो काश जो अपन मुंह से निकालते हैं ना वही है व्हाट इफ टेक्निक। एक जेन्युइन सा हमारे अंदर थॉट होता है, एक वांट होती है जो हम पूरी करना चाहते हैं, तो वही हम व्हाट इफ टेक्निक के लिए करते हैं, व्हाट इफ टेक्निक को बोल के करते हैं। एंड इस टेक्निक की सबसे ब्यूटिफुल बात यह है कि जब हम इसको बोलते हैं हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हो जाए तो क्या होगा। और यही चीज़ यहाँ हम यूनिवर्स को बोलते हैं, दैट यूनिवर्स अगर ये हो जाए तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन। तो यही चीज़ हम यहाँ व्हाट इफ टेक्निक में करते हैं, एंड ये बहुत 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 मिराकुलस टेक्निक है गाइज। अगर आप टेक्निक्स कर करके थक गए हो, पागल हो गए हो ना, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू यू, आप इसको करिए। कल मेरा शाम को 6 बजे एक वीडियो आने वाला है जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ 11 महीने मैं अपनी मैनिफेस्टेशन में फेल हो रही थी, सिर्फ एक विश को लेके मैंने अपने पूरे 11 महीने लगा दिए। एक इतनी सी गलती ने मुझे रियलाइज करा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। वो वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए जो हमेशा बोलते हैं हम तो 6-7 महीने से करें, मैंने उस टाइम ऐसा क्या करा था कि मेरी मैनिफेस्टेशन फास्टेस्ट हो गई थी। वो 12 महीने मैंने व्हाट इफ टेक्निक को कैसे यूज़ करा था मैं वापस सब बताने वाली, तो कल वो शाम को 6 बजे वाला वीडियो भी बिल्कुल ना मिस करें। एंड गाइज एक जेन्युइन सी बात बताना चाहती हूँ, इस टेक्निक के बहुत सारे फायदे हैं अगर आपको इसको करना आ गया तो। इसको जब हम बोलते हैं तो सैड नहीं यार कब होगा कैसे होगा, क्योंकि जब आप इस पर्टिकुलर टेक्निक को करते हो, जब आप अपनी विश को बोलते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें पूरी होने लग जाती है। अब मैं यहाँ पे क्या क्या लेने वाली हूँ आपको बताने वाली हूँ। आज मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी, कल मैं आपको अफर्मेशन बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको आपके अलग अलग विश को लेके चॉइसेस को लेके अफर्मेशंस बनाना सिखाऊंगी, देन उसके बाद मैं आपको उसको लिखने का तरीका बताऊंगी, देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके साथ हम कितनी टेक्निक्स को ले सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सीरीज मेरी बड़ी होगी व्हाट इफ टेक्निक वाली, क्योंकि ये बहुत न्यू टेक्निक है, ऐसे बहुत कम यूट्यूबर्स इस वीडियो के बारे में बताते हैं, एंड ये बहुत ब्यूटिफुली काम करती है। और मैं तो ये मानती हूँ जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, वो तो आपके लिए करेगी, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स यार। जो एक के साथ होता है वो सबके साथ होता है, तो अगर ये मेरे लिए काम कर रही है तो वो सबके लिए काम कर रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या एक्ट एज इफ नाम है इसका, तो डेफिनेटली इसका नाम एक्ट एज इफ है, लेकिन मैं इसको व्हाट इफ टेक्निक बोलती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो एक्ट एज इफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं यार जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नहीं समझ पाती थी। एंड एक बात बोलूं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि दी आप प्लीज इंग्लिश में भी वीडियोस बनाओ। अगर यूट्यूब खोलोगे ना, एक नहीं करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे इंग्लिश के अंदर। मैं एक इंडियन हूँ एंड मैं अपने सारे इंडियन भाई बहनों को ये चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश में वीडियो बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी इंग्लिश में वीडियो, इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं उन सबको सिखाना चाहती हूँ जो इंग्लिश नहीं समझते, जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते। एंड कोई बात नहीं है, एक टाइम पे मैं भी बहुत कमजोर थी इंग्लिश में, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगी ना, आप शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये 45% मेरे, येस इट्स द ट्रुथ। एंड उसके बाद मैंने अपने आपको कैसे 79% तक 89% तक लेकर आई हूँ, मैं आपको सब बताने वाली हूँ। सो ये जर्नी अपनी बहुत अच्छी है, सटीक है। तो यार स्ट्रगल तो है लाइफ के अंदर, लेकिन हमें हैप्पीली करना है एंड इस व्हाट इफ टेक्निक को करते जाना है। आज मैंने आपको इसके बारे में शॉर्टेस्ट तरीका बताया, हम इसको कैसे करने वाले हैं, कब से करने वाले हैं, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। एंड एक और बात बताना चाहती हूँ इस वीडियो की सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बात, इस टेक्निक में लेट गो नहीं होता। लेट गो मतलब हम टेक्निक्स करते हैं, हम टेक्निक बोलते चलो हो जाएगी, अब उसको छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स कर देंगे। इस टेक्निक में ऐसा नहीं होता, इस टेक्निक के अंदर लेट गो नहीं होता। जब तक आपकी ये वाली विश पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, आप इसको कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही एकमात्र टेक्निक है जो हम उस समय तक कर सकते हैं जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेट गो नहीं होगा, टेक्निक काम नहीं करेगी, डेफिनेटली काम नहीं करेगी, ये बात सच है, लेकिन ये टेक्निक में इतना बड़ा राज छुपा है कि जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये एक ऐसी मात्र टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, एंड इट वर्क्स लाइक मिराकुलसली। एंड इसके लिखने के बेनिफिट्स गाइस, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे जब आपने उसको एक बार भी लिख लिया ना, मजा आ जाएगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस व्हाट इफ सीरीज, क्योंकि आप लोग इस वीडियो से, इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने वाले हो, आई अश्योर। कल हम बात करेंगे इसमें अफर्मेशंस कैसे बनती है, कौन सी लैंग्वेज में अफर्मेशंस बनाना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बोलते हैं इंग्लिश में अफर्मेशंस बनाना है, इंग्लिश में अफर्मेशंस बनाना है। मत बनो, किसी रीजन से बोल रही हूँ, मत बनो।
अब उसका रीजन मैं कल दूंगी, क्यों मत बनाओ वो चीज मैं आपको कल बताने वाली हूँ। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया है दैट इज व्हाट इफ टेक्निक का शॉर्ट सा इंट्रो दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके बताना अगर आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड जो भी क्वेश्चन है कमेंट करके दे देना, क्योंकि अब इस पे शॉर्ट्स ला रही हूँ और आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने वाली हूँ। लव यू ऑल, स्टे हैप्पी ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू ऑल डिजर्व इट। बाय।